मैंने इस मुकदमे की तहकीकात करने के बाद मेरे और आपके सीने में एक डर जन्म लेता है। ये ना ही वक्त को मानता है और ना ही इंसान को। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि। मौत को छूकर साहस जन्म लेता है और खुददारी तोड़कर डर पैदा होता है। किसी भी तरह के गैर का ओम सूर्य पुत्राय विद्महे और अगर सिलेक्शन लेके कुछ बोले तो कह देना कि जूनियर और सब जूनियर का सिलेक्शन मेरी तरफ से हो गया है। अब चल बाय। अरे देखो एक सर आ रहे हैं। हाँ, अभी बताते हैं। हेलो सर। सर निहारिका के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम चलेगा? कलर ठीक है ना? पानी में ऑड तो नहीं लगेगा? अरे ऑड क्यों लगेगा, इतना खूबसूरत कलर है ना सर। सर वो प्रीति के पापा जो हेल्ड्रिंक लेकर आए थे दुबई से, मैंने उसकी फोटो आपको भेजी थी, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। ये लीजिए। वाओ, मोती नंदी की किताब है। आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे। मेरे पास दो कॉपी थी सर। जरूर पढ़ेंगे। हाँ, हम जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू सर। इस विषय पर सिनेमा भी है, देख लेना। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। अरे अजीत आप आ गए। आज सूरज कहाँ से उगा है पता नहीं। अनु बिटिया ने आज समय पर खाना खाया है, कतार में खड़ी हो गई, किसी से लड़ाई झगड़ा उसने कुछ नहीं किया। आज सारे लोग इसे देखकर बड़े खुश हुए। मैंने जब बिटिया को सलूट ठोका, बिटिया ने भी मुझे वापस सलूट किया। कहा है मैंने तनु के आने से पहले नहाना खाना कर लिया करो। सुन लिया, मैं भी यही कह रही थी। भैया तो ठीक ही कहते हैं पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। बेकार में भैया मुझे डांटते रहते हैं। दिन रात किताबों के अंदर मुंह घुसाकर पड़ी रहती हो। मैंने कुछ कहा क्या? लेकिन डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन नहीं मानने से मुझे बातें सुननी पड़ती है ना। ठीक है। अरे बाप रे बाप, किस हालत में निकली है ये। बीना मासी। हाँ भैया। जल्दी आना इधर। मैं भी आती हूँ। क्या हुआ?
सिर सुखा दो इसका जल्दी से, जाओ बेटा आजा, वरना ठंड लग जाएगी। माँ तुम्हारा हुआ? हाँ आओ आराम से, समय पे ना खाने से तुम्हारी तबीयत खराब होगी ना। एक बात नहीं सुनती हो मेरी, बैठो। देख बेटा आओ, बस थोड़ी ही दिन तो, जरा प्यार से तो बात कर। हाँ हमेशा डांटता है, अपनी बहन को तो डांट नहीं सकता, तो अब बचा कौन? जब मैं नहीं रहूंगी तो किसे डांटेगा? वृंदा को। ज्यादा बोलो मत और खाओ। रुको बेटा। हाँ हाँ ठीक है खिला दे रहा हूँ। उफ सब मेरे पल्ले ही पड़ता है। रुको आ करो आराम से। ये हुई ना बात, देखो कितनी रानी मिट्टिया की तरह खा रही है। ये लो जल्दी खा लो, फिर मैं नहाने जाऊंगी। ये देखो जल कुकड़ी। अच्छा ये ले, अब खा। ये लो। अच्छा क्या जहाज को भी तैरना सीखना पड़ता है? देखो ना कैसे आराम से नदी में बह रहा है। ऐसे से नहीं तैर रहा है, तैरना सीखना पड़ा है इसे। ऐसा है क्या? कौन सिखाता है इन्हें बताओ जरा, तुम? इंजन से लेके मस्तूल, जब इंजीनियर्स ने पहली बार जहाज का डिजाइन बनाया था ना, तभी हवा और पानी के साथ तैरने की लड़ाई सिखा दी थी। तब से जितने भी जहाज बने हैं सब बने हैं बॉर्न स्विमर्स, कोई ट्रेनिंग या ट्रेनर की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाह क्या बात है ना, इसका मतलब वो इंजीनियर हो तुम, राइट? तुम्हारे स्टूडेंट्स भी तो बॉर्न स्विमर्स है ना? क्लब की ये गंदी राजनीति नहीं होती तो शायद ये संभव हो पाता, अन्ना भैया तो चाहते ही नहीं कि मैं फ्लोटर्स का कोच रहूं। अच्छा तुम्हारे पास और भी तो ऑफर्स है, दूसरे क्लब्स तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे देने को तैयार है। और मेरा कमिटमेंट, पौला आदि सब जूनियर लेवल पर जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, अगले 2 साल में ये कहां जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी गाइडेंस की उन्हें जरूरत है, बीच रास्ते इनका साथ छोड़ दूंगा तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी सोचता हूँ खुद का अगर कोई पुल रहता तो इन सबको बंगाल चैंपियन बना के छोड़ता। अच्छा हाँ तुम्हारी नौकरी? वो दूर के दर्शन है, हाथ में नहीं आएंगे। यही तो मजा है भाग्य का खेल, नौकरी के लिए तुम्हारा नाम सिलेक्ट हो जाएगा और उस तरफ स्पोर्ट्स को वो लोग मजाक बना के रख देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पैसे बढ़ाने को कहा है, इधर माँ का ट्रीटमेंट उधर तनु की वो हालत। तुम तनु की चिंता मत करो, पता है उसने बहुत इम्प्रूव किया है और उसे ये सब सिखाने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। पहले जो लड़की भा और माँ के अलावा कुछ नहीं कह पाती थी, उस दिन अचानक से वो बोल पड़ी बिन्ना। मैंने तुमसे कहा था ना वो सब समझती है, सब सुनती है, रिएक्ट करती है। इस लड़की का मैं क्या करूं? स्पेशल चिल्ड्रन आर ऑलवेज स्पेशल बिकॉज़ दे हैव स्पेशल पेरेंट्स जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में हर तरह से उन्हें एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ देने की कोशिश करते हैं। एंड यू आर वेरी स्पेशल टू तनु, यू आर द बेस्ट। पापा What are you doing? Don't disturb me, sweetheart. Selection process is going on. कैसे selections? Simple. Matrimonial site पर तुम्हारा एक account खुला है, तुम्हारा एक photo upload किया है, 24 घंटों के अंदर ही लड़कों की line लग गई है। अब जिसको जिसको तो नहीं चुन सकते। This is the process. Selection का। जो मेरे target से बच जाएंगे, वही second round के लिए eligible. पापा, this is very insulting, हाँ? आप इस तरह से मेरे लिए लड़का ढूंढना बंद कीजिए। मैंने अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। अरे अरे रुको। अरे लाइफ पार्टनर चूज कर लिया का क्या मतलब? उसका फिजिक कैसा है? उसकी हाइट कैसी है? कुछ तो बता। उफ पापा, आपकी तरह मेरे लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती। इंटरनल फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी। अरे रुक। ये इंटरनल फैक्टर का क्या लोचा है बता? ही इज अ स्पोर्ट्समैन। अच्छा? बस इतना ही नहीं, वो ट्रेनिंग भी देता है। वाह ऐसा है क्या? अच्छा तो सुन, एक काम कर, गली घर पर बुला ले, शैंपेन का एक बोतल खोलूंगा, ठीक है? ओफो, वो शराब नहीं पीता, आपकी तरह शराबी नहीं है, अंडरस्टैंड? शराब नहीं पीता? अरे कल घर पर तो बुला,
फिर देखा जाएगा। हाँ, दरअसल रैली में चलना मुझे पसंद नहीं, वैसे हल्का फुल्का चलने के लिए पैर में चाहिए प्यूमा। और जब मैं पैजामा कुर्ता पहनता हूँ तब नाइकी का चप्पल। अब इतने ब्रांड के जूते चप्पलों के बावजूद आप बताइए वाला पैर में दर्द क्यों रहता है? दर्द को कम करने के लिए अब कोई व्यवस्था कीजिए। हाँ, अगर हो सके तो फ्लोटर्स क्लब में आ जाइए। ओके, ठीक है। भैया, मनसुख भाई ने व्हाट्सएप पे मीटिंग का एजेंडा भेजा है यहाँ पे, आप सुन लीजिए। कॉस्ट्यूम से लेकर इक्विपमेंट, पूल की मेंटेनेंस, हर चीज का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि प्राइस हाइक हुई है। मैंने स्पॉन्सर्स के साथ बात की है, हालांकि रातों रात तो कुछ कर नहीं सकते। और मेंबर्स का क्या, आई मीन डोनेशन? आपके कोच ही नहीं मान रहे, कोई भी मेंबर अमीर घर से नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी को पैसों का प्रेशर ना दिया जाए। और वैसे भी अजीत की कंप्लेन लिस्ट देख लीजिए आप, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसको हर चीज में प्रॉब्लम है। अगर प्रेस को पता चला तो हलचल मच जाएगी। नए सेशन में 20% कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए कहा है उसने। दम है छोकरे में, दरअसल गहराई में तैरने के लिए दम चाहिए। और अजीत तैराक बहुत बढ़िया है। असली बात क्या है विनय, जानते हो सकता है तुम 50 सेकंड तक पानी में अपनी सांस रोक लो, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, लेकिन उससे ज्यादा पानी में रहने के लिए तुझे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब समय आ गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर उसके हाथों से छीनना पड़ेगा। देखे देखे आ करो, आस्ते। हाँ, एक और चम्मच। तनु कितनी बदल गई है ना, आजकल सारी बातें सुनती है। देखे आ करो। वो सिर्फ तेरी ही बात सुनती है, मेरी तो एक भी नहीं सुनती। क्या सुन रहा हूँ, माँ की बातें नहीं सुनती? वाई, वाई, वाई। देख रही हो माँ, वृंदा ठीक ही बोलती है, हमारी तनु दूसरों से ज्यादा सेंस कर पाती है। सही कहा, आज अगर वृंदा नहीं होती तो वृंदा, वृंदा। रुको, उसे एक वीडियो कॉल करते हैं। हाँ। रुको एक सेकंड, ये देखो कौन है ये? वृंदा, वृंदा। तनु क्या कर रही हो, डिनर किया तुमने? वाइट, वाइट। अरे वाह, उसने क्या कहा अभी? अरे सारा दिन सिर्फ वो कोनी की फिल्में देखती है और फाइट फाइट कहती रहती है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये बहुत जल्दी सब सीख जाएगी। अरे जरा फोन मुझे दे। ये लो, माँ के साथ बात कर लो। ये लो। वृंदा बेटी, मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। अगर अगले जन्म में हो सके तो मैं वापस आकर तेरा ये कर्ज उतारने की कोशिश करूंगी। दरअसल मैंने अपने दोनों बच्चों की जिंदगी से खुशियां जो छीन ली है, पर तूने फिर से उनकी जिंदगी में खुशियां लौटा दी हैं। हाँ, ऐसी बातें नहीं करते आंटी, आप कहीं नहीं जा रही हैं, कहीं नहीं। यहाँ से जाने का मेरा जरा भी दिल नहीं करता। पता है, वो जब भी मैं कीमोथेरेपी के लिए जाती हूँ, घर से निकलती हूँ, तब मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती है। इस घर की दीवारों से बहुत प्यार है मुझे, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बहुत जल्द इस घर से मेरा सारा नाता टूट जाएगा, मुझे पता है। शांत हो जाइए आंटी, प्लीज शांत हो जाइए, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं। वाइट, वाइट। अरे तेरे उस छोरे का क्या हाल है? स्पोर्ट्समैन, सुबह उठ पाता है ना? पापा, वो रोज सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग के लिए जाता है। He is an early riser. आज संडे है ना, इसलिए he is available. संडे नहीं होता तो ये लो, आ गया। देखा, 9 बजने में अभी भी 2 मिनट बाकी है। देखिए आप टाइम चेक कर लीजिए। हेलो सर। अरे ठीक है ठीक है, बैठो। अच्छा, ये सब ट्रेडिशन आज भी जारी है? ट्रेडिशन तो लेकर चलने वाली चीज है सर, साथ लेकर चलेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे।
नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये अंग्रेजों की तरह टाइम मेंटेन करना और फिर इंडियन कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करना, ये अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं है? सॉरी सर, लेकिन पता है कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से सारी दुनिया में टाइम कैलकुलेट होता है, लेकिन उससे पहले हमारे देश में समय का हिसाब आविष्कार हो चुका था, इसलिए समय का इम्पोर्टेंस हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ग्रेट थॉट। देख देख इसे, इस लड़के को देख। ये लड़का तो हीरे का टुकड़ा है। बिना इस मामले में मेरे तरफ से हाँ है। अच्छा सुनो ना, तुम ना एक काम करो, तुम मेरा नंबर ले लो, मुझे एक पिंग करना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आपको इससे अलग से क्या बात करनी है, मतलब पहले मुझे बताइए। अरे बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में लिटरेचर्स को ग्रेट समझा है, इसलिए अपने नाम को विपिन बिहारी चंद्र से बीबीसी रख लिया है। ये ठीक नहीं है, इसे चेंज करना पड़ेगा। अजीत, मेरे सर पर सवार इस अंग्रेजी भूत को तुम उतार सकते हो? श्योर सर। फाइन, थैंक यू थैंक यू। चलो तुम लोग बातें करो, मैं जरा ताश खेल कर आता हूँ। यहाँ चेस खेला जाता है, वो भी खेल सकते हैं। क्या ये इंडियन ओरिजिन है? उत्तर भारतीय 6th century AD। आज से ताश खेलना बंद, चेस खेलना शुरू। चलो तुम लोग बातें करो। पापा। ए ब्रिंदा, तुमने अपने पापा को जितना स्वीट बोला था, वो उससे भी ज्यादा स्वीट निकले। एक बार में ही पास। सो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज आवर टारगेट बोर्ड। बंगाल नेशनल ओलंपिक्स जहां भी खेलो, थ्योरी इज द सेम, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। फैक्ट्री में मशीन देखा है कैसे चलता है? ठीक वैसे ही हाथ चलाना होगा। सोचो, दो हाथ में 25-25 किलो वजन है, तब भी हाथ चलाना होगा। इट्स ऑल अबाउट स्टैमिना गाइज। स्टैमिना खत्म, तुम भी खत्म। स्विमिंग है एक लड़ाई, डर से लड़ाई, डूबने का डर। अरे मेडल की बातें बाद में सोचना, पहले सोचो बचना कैसे है। एनीवे, 100 मीटर्स फ्री स्टाइल स्विमिंग तुम्हारे लिए मैंने फाइनलिस्ट एक महीने पीछे कर दिया। वाह 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 वाह, फाइनलिस्ट तो क्लब कमेटी तय करती थी, यही पता है। तो कोच क्या मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं करेगा? ना ना भैया, मैं वो नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो बस उन्हें मोटिवेट करना चाहता था। देखो अजीत, एक बात कहता हूँ, मेरे टेबल पर ना कोचेस के सीईओ एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उन सब ने कुछ न कुछ अचीव किया है, और वो भी किसी गड्ढे में तैर कर नहीं, समझे, देश के रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन से। अरनबी, ये सब बातें क्यों उठ रही है? आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो बोल दो, मैं जोर जबरदस्ती यहाँ रहना नहीं चाहता। देखो बेटा, तुम्हारे जैसा पॉलिटिक्स मैंने नहीं सीखा। तुम मेंबर्स के घर पर जाके ऐसा बर्ताव करते हो कि सब तुम्हारे फैन हो गए हैं, और उसी का फायदा उठाकर तुम्हारे जो जी में आ रहा है कर रहे हो। क्लब का इमरजेंसी मीटिंग और तुम गायब, उधर जोनल कंपटीटर्स के नाम काट देते हो और अपने पसंद के कैंडिडेट्स को सर पर उठाकर नाचते हो। मेरे किसी भी रिकमेंडेशन को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। बोलो, क्या समझते हो अपने आप को? तुम तैराकी पानी में नहीं करते, हवा में करते हो। अर्णव भैया, आप मुझे बेकार का गलत समझ रहे हैं। अरे फ्लोटर्स के प्लेयर्स होने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया चाहिए, वो मुझे उनमें मिला नहीं। और बड़ी बात है कि डोनेशन के चक्कर में टैलेंट को नहीं नकार सकता। मेरी बात मान लो, तुम्हारे सामने पूरा सीजन पड़ा है, इस फ्लोटर्स की किस्मत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ का इलाज, बहन की जिम्मेदारी, ये सारे काम कोई फरिश्ता नहीं करने वाला। जानता हूँ भैया, आपकी सहायता के बगैर शायद सरकारी खर्चे पर माँ का इलाज नहीं करवा पाता, उन्होंने निकेतन में बहन को पढ़ा भी नहीं पाता, लेकिन क्या है पता है, अपने काम अपने आदर्शों के साथ बेईमानी नहीं कर पाऊंगा मैं। उधर आपके टेबल पर भर भर के एप्लीकेशंस, और इधर मेरे चुने हुए टैलेंटेड स्विमर्स। लड़ाई आकाश में नहीं है भैया, उस पानी में है। एक पक्का स्विमर पानी में मगरमच्छ रहते हुए भी उतरेगा, उससे लड़ेगा और जीतेगा। यही है खेल, यही है जिगर, है ना? Come on boys, let's move. Come on. विनय, अजीत का चाचा कब वापस आ रहा है? क्या सुबह से मेरी याद नहीं आई? बर्थडे विश भी नहीं किया?
अरे भैया क्या बात करते हैं, आपका जन्मदिन भूल जाऊंगा? काउंसिलर से मिले बना, सब आपकी कृपा है। और फिर टाइम से फंड भेजना, वो भी डॉलर्स में। इसीलिए मेरे पीछे बांस दे रहे हो, अपना काम करो। क्यों भाई साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या कहा था, डर दिखला के हो, ठंडे दिमाग से हो? वो मकान मुझे चाहिए, तुम तो सब जानते हो क्या पावर है तुम्हारी। इसके बाद भी तुम काम का काम नहीं कर पा रहे हो। मैं 10 दिन के बाद आ रहा हूँ, हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन रख कर ही जाऊंगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तुम भी रहोगे। इसके बाद भी दखल नहीं मिला, गेम लेकिन पूरा बदल जाएगा। बाय। साले के डीएनए में ही खराबी है, फर्जी कागज बनाकर मकान हड़पना चाहता है और मुझे ज्ञान बांटता है। तुम्हारे पिछवाड़े में तंबू ना गाड़ दिया तो एक बाप की औलाद नहीं मैं। Arriving Kolkata next week. Talk to Bodhi. Pending matters need to be solved this time. Whatever things you need to settle, please clear. Kaku. जानती हूँ, उसने मुझे कॉल किया था। कब? बोला क्यों नहीं? और क्या कहेगा? बस वही बात। पापा जी की यादें मुझसे इस तरह मत छीनिए। आप लोगों को जो चाहिए साफ साफ बता दीजिए, इसका कोई हल निकालिए, यही सब बस। और क्या, ये मकान हड़पना चाहता है। मैंने तो बचपन से सुना था कि दादाजी ने कोई विल वगैरह कर दिया था, तो फिर ये पापा की यादें वगैरह ये कहां से आ रहा है? मैं तुमसे एक बात बोलूं, ये वृंदा के पापा से एक बार बात करो, कानूनी पैंतरों के बारे में जिनको कानून पता है उनसे बात करना जरूरी है। तेरे दादाजी को ना इसने जिंदगी भर तंग किया। वैसे वो जब अमेरिका गया तब तेरे दादाजी का गुस्सा ठंडा पड़ गया था। बीमारी की हालत में वे कई बार पूछते रहे, क्या गोपू नहीं आएगा, उसने फोन किया था क्या? तब पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई, इस घर को गिरवी रखने के सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए तेरे दादाजी ने तेरे पापा के नाम ये मकान कर दिया था। लेकिन पापा ने तो सारे लोन चुका दिए थे। पर वही ना, अपने सबसे जिगरी दोस्त को ये कारोबार, धन दौलत सारा कुछ हड़प दे देख वो बर्दाश्त नहीं कर सके। पता है जब उनको हार्ट अटैक आया तो उन्होंने गोपू को कितनी बार फोन लगाया, कुछ पैसे भेजने को कहा, एक न सुनी। मैंने तुझे एक बात नहीं बताई, तब तू यहां नहीं था, पुणे में था तू। उस वक्त एक सफेद कागज पर उसने मुझसे दस्तखत करवा लिया, कहा भाभी आपका पासपोर्ट बनवाऊंगा, वीजा बनवाऊंगा, वहां काफी अच्छा इलाज होता है। पर अब वो मुझसे कहता है कि मैंने एनओसी, पावर ऑफ अटॉर्नी, इन कागजातों पर दस्तखत किया था। मतलब तुमने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा मुझसे, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी और तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा? तुझे और भी बहुत कुछ नहीं पता बेटा, ऐसा नहीं कि इस घर पर सिर्फ तेरे चाचा जी की नजर है, और भी कई लोग हैं। आंटी जी, ये सब भैया ने भेजा है, इसको आप ना नहीं कह सकती। भैया मतलब? भैया, भैया की आंटी तो आप ही है, बारिश हो या तूफान भैया ही आया हमारा सम्मान, हमारे एमएलए। ओह, दरअसल मैं अब वोट देने नहीं जा सकती, बस कीमो लेने के लिए ही। अरे ना ना, वोट वोट नहीं चाहिए हमें, आपकी कोई तकलीफ हो ये हम नहीं चाहते, मतलब भैया नहीं चाहते। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? आंटी जी, ये गोपू भाई, मतलब आपके देवर, हमारे भैया तो मिट्टी से गड़े हुए हैं, अमरीका जाते समय अबे बार बार कह के गए, सुने आंटी जी की देखभाल की जिम्मेदारी बिल्कुल तेरे ऊपर है। मैंने कहा भैया इतना बड़ा मकान है, इसकी देखभाल करने गए तो बहुत खर्चा होगा, एक काम कीजिए इसको तोड़ फोड़ के एक अच्छी सी G+5 बना दीजिए। देखिए 5 टावर, हर एक टावर में 3 फ्लैट, मतलब 15 × 5 = 75। तो भैया ने कहा ठीक है, अगर आंटी जी को मंजूर हुआ तो राजपुर की तरफ एक शानदार सा फ्लैट बना देंगे, और यहाँ पे छोटे मोटे फ्लैट नहीं बनेंगे, यहाँ बनेगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
बढ़िया होगा। वीना, वो नीचे का दरवाजा जरा खोल देना, ये लोग जाएंगे। दरअसल बात ये है, ये लोग तेरे दादाजी की वसीयत के लिए बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वसीयत में तेरे पापा को सारा कुछ दिया है, क्योंकि तेरे पापा के परिवार ने इस पूरे घर पर कब्जा किया है। ये सब अस्पताल वस्पताल कुछ नहीं, पता है तेरे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि इस घर को बेचकर हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन तेरे पापा पापा नहीं माने। उन्होंने कहा मॉर्टगेज से छुड़वा कर इस घर को रेनोवेट करवाएंगे। इस घर में तेरे पापा की यादें बसी हैं, एक आईने की तरह। उस आईने को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? कैसे? तुम चिंता मत करो माँ, ये घर हमारा ही रहेगा, तुम्हारा, पापा का, तनु का। मैं बहुत दिनों से मनोनिकेतन के साथ जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली स्पेशल चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं ना, इसलिए हमारा काम भी बहुत स्पेशल है। हम चाहते तो और कोई ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों रेखा जी के साथ मनोनिकेतन ज्वाइन कर लिया। आप लोग भी जान जाएंगे। आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। हमारा काम दूसरे कामों की तरह आसान नहीं है। हर रोज एक नई सोच, एक नए तरीके से एनालाइज करना पड़ता है, जिससे हम स्टूडेंट्स को और समझ सके। मुंबई के SAI मतलब सपोर्ट फॉर ऑटिज्म इंडिविजुअल के जर्नल में एक कहानी पढ़ी थी, एक माँ और उसके बेटे की कहानी। वो लड़का ऑटिज्म का पेशेंट था और उसकी माँ बेटे के लिए SAI के साथ जुड़ गई, अपने माँ होने का फर्ज अदा किया, अपने बच्चे का खूब ख्याल रखा और उसकी सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। पता है ये सब आपको क्यों बताया? हम सिर्फ टीचर्स नहीं है, हम एक माँ भी है। मैडम, तनु बिटिया सीढ़ी से गिर गई, चोट लगी है उसे, अब चलिए। अरे जरा संभल के। क्या हुआ? अरे ये कैसे हो गया? इतना सारा खून मैंने बार-बार कहा था उसे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। कुछ नहीं हुआ तनु, तुम डरो मत, कुछ नहीं हुआ, हम सब है तुम्हारे साथ। कोई गाड़ी है? गाड़ी तो ऑटो टैक्सी जो मिले जाकर जल्दी से लेकर। हाँ अभी जाता हूँ मैं। चलो अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाने से सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो आराम से। हाँ हाँ, ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बिना कुछ नहीं होगा। गाइस कम ऑन, कम ऑन, यू नीड टू ब्रीद आल्सो, कम ऑन गाइस, कम ऑन। लवली, वाह ये तो बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। दर्द हो रही है क्या? नहीं ना, वाह वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है डॉक्टर साहब। ऐसी कोई सीरियस बात, मतलब टिटनेस वगैरह? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये एक मामूली सी चोट है, पर खैर है कि उसके सिर पर नहीं लगी। आप उसे घर ले जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आजा बेटा आजा। भैया अभी आ जाएंगे, अभी फोन किया था, यहीं आ रहे हैं। क्या हुआ तनु, क्या रे तुझे लगा कहाँ? कितनी बार कहा है मैंने संभल के चलना फिरना। हाँ इसे डांटो मत, इसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ये तनु भी ना दिन ब दिन बदमाश होती जा रही है, जब देखो सीढ़ियों पर उछलती रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। यही तो इसके खेलने कूदने की उम्र है आंटी, और मैं हमेशा इस पर ध्यान रखती हूँ, लेकिन आज सुबह मीटिंग के वक्त जरा बिजी थी। हमारी मेट्स ना सारा दिन सीढ़ी के नीचे बैठकर फोन यूज करती रहती है। तू एक ऐसी बच्ची को संभाल रही है, कितना बड़ा परिवार है तेरा, लोग तेरे पिताजी को कितना मानते हैं, और तू ये सब कैसे कर पाती है तू बेटी? और क्या कहूंगी आंटी, बचपन से पापा को देखकर बड़ी हुई हूँ, वही मेरे पापा है, वही मेरी माँ। और जानती है जब मैं माँ की गोद में होती थी तब पता है मैं बहुत जोर से रोती थी, इसलिए शायद माँ मुझे जल्दी छोड़कर चली गई।
और उसके बाद मनोनिकेतन के बच्चों की माँ बन गई और धीरे धीरे आपके पास आकर आपका प्यार भी पा लिया। ये लो खाओ। बिन्ना, बिन्ना। क्या रे, ये देखो माँ, हर दिन तो भैया, आज बिन्ना। ठीक है, समझ गया। क्यों रे, तुझे जलन होती है? अरे वृंदा, इसे भी थोड़ा खिला देना। माँ, अरे शर्म आता क्यों है बेटा? अब देख, मैं और कब तक, जल्द ही सब कुछ छोड़कर ऊपर जाने वाली हूँ, तब तो तुम सब की जिम्मेदारी वृंदा पर ही होगी। कौन है? कौन है? अरे कौन बोलेगा, इन सब की जुबान पर ताला लगा हुआ है, डरपोक है सब, आस्तीन के सांप है सारे, हमें डराना चाहते हैं। अरे डराता किसे है, किसे डराता है? जितनी मर्जी पत्थर मार ले, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मकान नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा ये मकान। अजीत नहीं बिकेगा। अजीत चुपचाप बैठने से नहीं चलेगा, तुम अभी पुलिस को फोन करो। वो शीशे तोड़ने वाला केस ना। अच्छा, ये ईंट पत्थर फेंकने वाली घटना को किस एंगल से देखूं बताइए तो। अगर डरा रहा है तो 509 धारा, चोट पहुंचाना चाहता हो तो 324 धारा, और अटेम्प्ट टू मर्डर अगर हो तो 307, और मर गया तो काम ही खत्म, 302। अब आप लोगों के मामले में क्या एप्लीकेबल होगा ये बोलिए। क्यों, कानून नहीं जानते? कार्कल करने गए और कुल्ला करके चले आए। FIR लिखिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अरे आप जरूर वकील थे, अभी एक्स वकील। अच्छा एक बात बताइए जरा, पुलिस को धमकाने का पावर क्या सिर्फ वकीलों के पास है? हाँ, अभी क्या है कि रिपोर्टर्स भी करते हैं ऐसा, क्या कहते हैं आप? सर ये एक सीरियस इशू है, आपकी बात सुनकर तो लग रहा है क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने कोई खिड़की का कांच तोड़ दिया हो। हा? आपको तो सारी बात डिटेल में बताई गई है, सस्पेक्ट की हिंट भी दी गई है, तो फिर आप मजाक क्यों कर रहे हैं? तो क्या करूं, लिख दूं कि काउंसिलर आकाश पाल, MLA अर्नब राय, दोनों ने मिलकर इतना बड़ा पत्थर हाथ में उठाकर अजीत बाबू की कैंसर पेशेंट माँ की तरफ उछाल दिया, और उस पत्थर के स्पॉन्सर थे अजीत बाबू के अमेरिका रहने वाले NRI चाचा गोपेश राय। सर आपने जिन लोगों का नाम लिया है वो कानून के बाहर नहीं है, आप FIR क्यों नहीं लिख रहे हैं? और ये ईंट पत्थर कांच के टुकड़े किसी को लग जाता तो क्या होता? अरे साहब, आपके तो घर की खिड़की का सिर्फ शीशा टूटा है, और आप क्या चाहते हैं, मैं अपने दो कमरे का घर कौड़ी के भाव बेचकर मैं सुंदरवन ट्रांसफर हो जाऊं? इतना ही डर लगता है तो पुलिस की नौकरी करते क्यों हैं? आप लोग तो शायद लाइसेंस्ड गुंडे हो। हाँ, डर भाई, ये मिडिल क्लास का डर है, तुम दबाए बैठे बैठे ना आदत हो जाती है, और अब बाहर से बहुत ज्यादा हिम्मत दिखलाने से ना डर बहुत अंदर जाकर बैठ जाता है। वकील साहब थोड़ा समझेंगे इस बात को। कह रहा था क्या, नाम वाम लिख नहीं पाऊंगा मैं, हादसे का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख कर चले जाइए, और शाम को आपके घर जाकर एक कप चाय पी आऊंगा मैं, बिना शक्कर वाली। अच्छा एक बात बताइए, आप इतनी देर से तो आप दोनों ने बहुत लेक्चर दिया मुझे, तो मैं भी एक छोटी सी अपनी तरफ से सलाह दूं आपको, क्यों लफड़ा मोल ले रहे हैं चाचा के साथ आप? बहुत पैसा है उनके पास, इसीलिए मैं कह रहा था क्या, आपस में मिलकर सुलह कर लीजिए। नहीं मतलब आपके भले के लिए ही कह रहा हूं, सोचिए, सोचना अच्छी बात होती है। आइए आइए सर, आइए, अरे बैग उठा, आइए आइए सर। MLA साहब की खबर क्या है? अरे भाई आ रहे हैं। तुम्हारे बेकार के बहाने सुनने में इतनी दूर से नहीं आया। आई वॉन्ट द डील टू बी डन, डू यू अंडरस्टैंड? आप एक अच्छा हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट को बुलाइए और साइन की नकल बनवाइए। आई डोंट केयर, आई हैव सेंड यू एनफ ऑफ मनी, एंड प्लीज स्पेंड द मनी एंड गेट इट डन। अर्नब, मैं होटल आ गया हूँ। अच्छा मैं क्या कह रहा था,
ड्यूटी फ्री से माल खरीदने में कितने की छूट मिलती है? तुम जानकर क्या करोगे? अगर तुम जैसे नेता लोग मांग ले तो सस्ते में क्या मुफ्त में ही मिल जाएगी दारू? अपना मुंह खोल दो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। अर्नब 10 बोतल विस्की लेकर आ, अर्नब 200 पैकेट बिरयानी लेकर आ। वो क्या है कि धरना, प्रदर्शन, रैली सब हम ही को झेलना पड़ता है, अब क्या करें। विश्वनाथ जी, जी सर, अर्नब को एक सेट डॉक्यूमेंट्स भिजवा दीजिएगा। ओके सर। और किस प्लान की बात कर रहे थे, जरा खुलकर बताओगे? कुंजो बाबू, सर सब खुलकर बताइए, भैया ने बहुत माल दिया है, भैया की बात अनसुना नहीं कर सकते। आप फिक्र न करें, पुलिस ने उस मोहल्ले में जाकर एक काम चलाओ रिपोर्ट भी बनाई है और वो अभी तक आकाश बाबू के ऑफिस में जमा भी हो गई है। कैसी रिपोर्ट? जोखिम से भरी मकान, किसी भी वक्त गिर जाएगा, अभी के अभी खाली कीजिए, क्योंकि अगर गिर जाए तो कॉरपोरेशन जिम्मेदारी नहीं लेगी। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से इस बिल्डिंग को हानिकारक बिल्डिंग घोषित किया जाता है। मुखर्जी साहब, ये अजीत है, इसी के घर का मामला है, देख लीजिए। अच्छा अजीत बाबू, वो विल तो आपके पिताजी के नाम पर ही है ना? हाँ। लेकिन अजीब बात है, आपके चाचा जी ने जो सब कागजात जमा किए हैं उसको देख के तो मुझे अजीब कुछ भी नहीं लग रहा है। सर वही तो प्रॉब्लम है, घर के साथ माँ के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। माँ कैंसर की पेशेंट है, पता नहीं कितने दिन बचेगी। माँ नहीं होती तो शायद मैं कोई निगोशिएशन पे आ जाता, लेकिन चाचा की ये धोखेबाजी मानना मुश्किल है। देखिए अजीत साहब, ये फर्जी है या नहीं ये तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आपके चाचा जी इतने दूर अमेरिका से ये घर जब्त करने या फिर यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, इसके पीछे जरूर कोई दूसरा मकसद है। हाँ थोड़ा बहुत मैंने भी सुना है, शायद कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बनाएंगे। अच्छा, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, फिलहाल मैं अभी एक इंजंक्शन जारी कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए सर, जो ठीक लगता है आप करिए, लेकिन माँ जब तक जिंदा है तब तक मैं घर नहीं छोड़ सकता। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही तो पिटीशन में दायर कर देता हूँ कोर्ट में। sure. अच्छा, तुम लोगों का केस तो जगदीश साहब देख रहे हैं ना? तो जगदीश साहब से मैं बात कर लेता हूँ। ओके, एज यू विश। इंजंक्शन दे दिया तो मैं क्या करूँ? तुम्हें पता नहीं था ये? देखिए उनके लॉयर जयदीप को मैंने सब कुछ बताया। नाउ परचेज हिम। इम्पॉसिबल, ही इज डिफरेंट। स्टूपिड, हर समय बहाना, जब देखो नहीं बात। नाउ डू समथिंग कि रात के समय वो लोग थर थर करके कांपे। जाओ, गो एंड डू इट। अरे मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही है? ए, निकलो तुम लोग यहाँ से, बेशरम आवारा लड़के। भैया आप आगे बढ़िए। ये क्या कर रहे हो आप लोग, एक अकेली औरत को बीच रास्ते पर छेड़ रहे हो? तेरे बाप का क्या बे, मार के चमड़ी उधर देंगे, समझा? हाँ तो बिना दीदी, वो राय हवेली की हर खबर चाहिए मुझे, समझी? आकाश भैया ने कहा है हर शाम लौटने के वक्त रिपोर्ट करके जाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, समझ गई ना? भैया अरे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये चीज। इधर आओ। अर्नब बाबू, मैं तो अच्छे झमेले में पड़ गया। आकाश के लोगों ने कल रात बेलगांव बस्ती के उस लड़के पर फिर अटैक किया है। मोहल्ले के लोग सब बहुत गुस्से में हैं, थाना घेर दिया था। मेरे आदमी ये आवाज कर रहा है? अरे आकाश के लोगों ने बिना को थ्रेट किया और आपका पैंट गीला हो गया। ना ना, मुझे बिना बताए इस तरह का स्टेप लेंगे तो मैं संभालूंगा कैसे? अजीत के घर पर अटैक हुआ, उसको मैं कैसे संभाल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मेरा सर्विस बुक आप लोग तो नहीं लिखेंगे? एसपी के ऑफिस से चिट्ठी आ गई है, अब शो कॉज का रिप्लाई दो नहीं तो छुट्टी पर जाओ। जाइए जाइए, घूम कर आइए, कुल्लू मनाली, कश्मीर, शिमला, पहाड़ चढ़ेंगे तो हिम्मत बढ़ेगी। जाइए,
जिस बारे में आपको कुछ नहीं मालूम उस बारे में कुछ मत बोलिए आप। रस साला कुंजू, रिश्वत लेने के टाइम पे तो साला मुंह बाई खड़ा रहता है, बंडल में कुछ नोट फटे मिल जाए तो चेंज करवाने आ जाता है। औकात में रह के बात कर, बेकार की बकवास की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। छुट्टी की बंदोबस्त मैं कर दूंगा। सर मैं छुट्टी ले और सैर पे जा, यहाँ के लफड़े मैं संभाल लूंगा, तो फिक्र मत कर। वो क्या है ना, तेरे जैसे आदमियों को चाहिए शांति और हमें अशांति। फूल बाबा वेकेशन सर। कहाँ जा रहे हैं, कश्मीर या फिर कैनिंग? जहां जाऊं वहीं एलर्जी। अर्नब समझ में कुछ नहीं। अरे भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं अजीत को समझा दूंगा। अरे खुश रहो, अच्छे हो ना? ठीक हूँ। अच्छा अगले महीने 5 को क्या है पता है? तुम्हारे दादाजी स्वर्गीय अम्लान राय जिंदा होते अपना 100वां जन्मदिन मनाते, बर्थ सेंटेनरी। तो बेटे के रूप में इस मौके पर मैं कुछ एक करना चाहता हूँ, यू नो समथिंग बिग। अच्छी बात है। तुम कुछ नहीं करना चाहते? ना दादाजी, क्या मुझे पसंद करते थे? ऑल द बेस्ट। एनीवे मुझे देरी हो रही है तो मैं चलता हूँ। सो बॉयज एंड गर्ल्स, एक चीज याद रखना, स्ट्रोक के साथ साथ सांस लेने की टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। ओके, जंप, कम ऑन जंप। अरे आर यू ओके? थैंक यू। तुम तो बिल्कुल बिगनर लगती हो। बिनोय, बिनोय, तुम्हारा ट्रेनर कौन है? नो वन। क्या आप मुझे ट्रेन करेंगे? आपको ट्रस्ट करने का मन कर रहा है। ओके, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। अच्छा हाँ, ये लेकिन क्लब का प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं है, वहां से कॉस्ट्यूम कलेक्ट कर लो। ओके चलो, आई हेल्प यू, कम। नो, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। Show me what you got, oh baby. नहीं, तुम रिजाइन क्यों करोगे? अजीत, तुमने तो कोई गलती नहीं की है। तुम समझ नहीं रही हो वृंदा, इसको लेके ज्यादा बातें उठी तो एसोसिएशन मेरे नाम पर कंप्लेन करेगा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे? स्विमिंग पूल के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास है। उस लड़की ने उस वक्त क्या पहना था, तुम उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे थे, सब कुछ रिकॉर्डेड है ना? और पानी के अंदर? वहां तो सीसीटीवी नहीं है। पानी में तूने उसके साथ बदतमीजी की है।
झूठ है ये, चाहे तो उस लड़की से पूछ लो। अरे उसी लड़की ने तेरे अगेंस्ट मोलेस्टेशन का केस किया है, थोड़ी खातिरदारी तो बनती है। चल अच्छा बिंदा, ये सब एक साजिश है, तुम माँ और तन्नू का ख्याल रखना। हाँ ख्याल रखना, और मैं इसका ख्याल रखता हूँ। हाँ चल आजा, चल हटा इसको, एक मिनट। ओ मैडम ध्यान से सुनिए, कल परसों सैटरडे और संडे, मंडे हॉलिडे, ट्यूसडे सुबह कोर्ट चले आना, आपके आशिक का कैसे बैंड बजता है देख लेना। हाँ चलो। मैं एक बात कहूं, अजीत जब तक जेल से वापस नहीं आ जाता तब तक आप लोग मेरे घर पर ही रहिए। नहीं नहीं आप बुरा मत मानना, मुझे पता है इस मकान को हड़पने के लिए उन लोगों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, पर फिर भी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। लेकिन खाली घर पर कब्जा करना आसान होगा, और वीना मासी को भी इसी वक्त छुट्टी लेनी थी। अच्छा मैं एक बात कहूँ, तू कुछ दिन यहीं पे रह, बाय दिस टाइम मैं लॉयर से बात कर लेता हूँ ताकि मंगलवार को कोर्ट खुलते ही अजीत के जमानत की व्यवस्था हो सके। मैं भी कहीं ना कहीं यही सोच रही थी, मैं तनु और आंटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। खत्म हुआ, ज्यादा देरी मत करो, खा लो, मैं नहा कर आती हूँ। आंटी हाँ, पानी नहीं आ रहा, पंप की स्विच कहाँ है? क्यों अब तक तो पानी था, वो उस तरफ है, बाईं तरफ। बिजली नहीं जाती, रुकिए मैं देखती हूँ। लेकिन बाहर तो लाइट है। अच्छा तनु कहाँ है? हाँ तनु यहाँ के इलेक्ट्रिशियंस भी कितने अजीब हैं। दो दिन से बुलाने के बाद आज आया है। मेरा फोन देखो जरा, फोन में चार्ज हुआ कि नहीं। अरे उसे यहाँ आने से रोक रहे हैं,
वो लोग हमें हर तरह से परेशान करना चाहते हैं। करने दो ना, कब तक करेंगे? तनु देखो तो फोन ऑन हुआ कि नहीं, पता नहीं किस किस का फोन आया होगा। तू इतना मत सोच, अजीत को आ जाने दे, देखेंगे वो हमें कब तक अंधेरे में रख सकते हैं। पहले नहा लेना, उसके बाद खाना खा लेना, चुपचाप मम्मी के पास रहना, और अगर घर पर कोई आए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? अरे नहीं नहीं, इसका क्या भरोसा, तू जाते वक्त बाहर से ताला लगा कर जाना, हम माँ बेटी तेरा इंतजार करेंगे। ठीक है, मुझे भी लगता है यही सही होगा। हाँ रेखा जी, नहीं नहीं आज मैं नहीं आ सकती, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, आधे घंटे के लिए। अच्छा ठीक है, आती हूँ। क्या हुआ, अदालत नहीं जा पाएगी? नहीं नहीं, कोर्ट तो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आधे घंटे के लिए स्कूल जाना होगा। ओ। अच्छा चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, रेडी हो जाती हूँ, अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। हाँ एकदम चुपचाप मम्मी के पास बैठी रहना, ठीक है? आंटी मैं बाहर से बंद करके जाती हूँ, कोई भी आए दरवाजा मत खोलिएगा। नहीं नहीं, बिना बिना माँ जी, ओ माँ जी। कौन? वीना, आपके दरवाजे पे ताला किसने लगाया? हाँ वो वृंदा जाते वक्त ताला लगा कर गई है, रुक जा मैं दूसरी चाबी लेकर आती हूँ। ये ले। This. Your Honor, आज अगर आप इस वाहियात आदमी को सजा नहीं देते हैं तो फिर हम कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मासी जी, नमस्कार। कौन हो तुम लोग? ए, ये कौन है? वीना, अरे ओ वीना, ये कौन, ये लोग कौन है? कैसे पता होगा? आपके बारे में पूछ रहा था इसलिए मैं ऊपर ले आई, कह रहा था कुछ जरूरी काम है। वैसे कोई बात नहीं है, आपके अंगूठे का छाप लेंगे और चले जाएंगे। ओ, अंगूठे का निशान? नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। पर मैडम, आपके इस रोने धोने पर भी तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है। फ्लोटर्स के स्विमिंग पूल में आप क्यों उतरी थी, किसकी परमिशन से उतरी थी और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के क्यों उतरी थी, ये सारी बातें साफ नहीं है। आपका कहना है कि अजीत बाबू ने पानी में आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है। पर वहाँ उस दिन दो गार्जियन भी मौजूद थे जिनका ये कहना है कि अजीत बाबू ने उस दिन आपसे बातचीत की थी, लेकिन सिर्फ कॉस्ट्यूम और ट्रेनर को लेकर। क्या? तो योर ऑनर, ये मामला बिल्कुल साफ है। फरियादी शिरिन समाददार बिल्कुल झूठे आरोप लगा रही है कि अजीत बाबू ने उनकी इज्जत टूटने की कोशिश की है, और इस बात की अदालत में कोई मायने नहीं है। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है इस औरत की बेईमानी की वजह से तुम लोग मुझसे जीत सकोगे? नहीं, कभी नहीं। अरे इनके खातिर, अपने बेटी के खातिर आप अंगूठा लगाएंगी?
नहीं, कभी नहीं। छोड़ दो उसे। अरे छोड़ देंगे, आप बस साइन कर दीजिए। छोड़ो उसे, छोड़ो। जी कर दीजिए ना, क्यों बात को बढ़ाना है? और आप हम दोनों फंस जाएंगे। तूने गलत किया, तूने ये बहुत बड़ी गलती की। भगवान है, वो तुझे सजा जरूर देंगे। अरे हट, छोड़ दो, छोड़ दो, अंदर से चलो। अरे मासी जी, बैठ जाओ। देख सकते हैं लगभग 55 साल पुराने इस मकान में आज एक इस वक्त इस घर में जो भी घट रहा है हम देख रहे हैं, सब देख सकते हैं। इतने सालों में इस इलाके में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इस मकान में आज एक खून किया गया है एक बच्ची का। इस समय हमारी जो मानसिक हालत है समझ ही सकती है, लेकिन इस मकान को लेकर काफी दिनों से कुछ तो गड़बड़ हो रही है ऐसा लगता था। और एक बात है कि उसकी बहन जो वो भी। और अब आप सब देख सकते हैं कि अजीत जो घर के बेटे हैं वो घर में आ गए हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी माँ से मिलने के लिए। और हम उनसे पूछेंगे कि इस बारे में वो क्या सोच रहे हैं। कहाँ है तनु? तनु, 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 तनु। जिंदा नहीं है, तनु हमें छोड़कर चली गई। ए तनु, ये साले चुतियापा करेंगे और हमारे पिछवाड़े की लग जाएगी, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये साला तो किसी भी काम का नहीं। ये सब तुम्हारी बेवकूफी के चलते है। अब जो पार्टी है वो तुम्हें बांस देगी, बड़ा सा बांस, बिना छिला हुआ बांस। साले एमएलए, तुम्हारी अकल खोपड़ी में या घुटने में? अरे भैया, मैंने इस ऑफिसर को सिर्फ धमकाने को कहा था और कुछ नहीं। नाम तो करुणा सिंह है, पर करुणा नहीं, कहर दिखलाओ, कहर। समझ गए ना? सर अगर लफड़ा हुआ तो समझ रहे ना, मैं स्पॉट पे नहीं रह सकता। अरे तुम अपना कहर भर पाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो, वरना वो जो अमेरिका वाले चचा है ना, उनके कहर से हम नहीं बचेंगे, समझे? ससुरा आया तो अमेरिका से, पर देसी बवाल का फुल मास्टर है यहाँ। अब जो करना है जल्दी करो, मारो पीटो जो करना है करो, मुझे दस्तखत चाहिए बस। अरे भैया, अरे भैया, अरे जबान संभाल के दत्ता बाबू, जबान संभाल के, मुझे आंखें मत दिखाइए। ये आपकी पार्टी ऑफिस नहीं है, यहाँ सब रिकॉर्डेड है, इंच बाय इंच, फुट बाय फुट, लोडेड इन माय हार्ड डिस्क। मारने का ऑर्डर आप ही ने दिया था। अगर खींचतान नहीं होती, अगर वो लड़की मुझे नहीं काटती तो मैं उसे क्यों मारता? मैं तो वहां जाना ही नहीं चाहता था। सांप से दुश्मनी अच्छी नहीं, जहर पचा लोगे ना। क्या होगा, मंगल ही मंगल, ट्रांसफर होगा, जेल होगी ना, जो भी होगा आपके साथ खुशी खुशी बांट लेंगे, 50-50।
और अगर फांसी हुई तो एक ही रस्सी में दोनों भाई लटक जाएंगे। अब तो बहुत दयालु है, लोग कहेंगे आज दया की सागर सूख गई। प्लान कीजिए दत्ता बाबू, आपसी लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। प्लान कीजिए, जरा सोचिए, वो औरत क्या नाम है उसका, वीना, अगर उसने सब कुछ उगल दिया ना, उसके पैसे तो आपने अभी तक दिए नहीं होंगे। सुनो, अब उस वीना को तुम यही कोई 20,000 रुपए दे दो। देखो ये आपस की लड़ाई से कोई फायदा नहीं, इसलिए चलो दिमाग लगाते हैं। चलो क्यों, अब आई ना गाड़ी पटरी पर। अरे अजीत बेटा तू आ गया, सुन डॉक्टर साहब अंदर हैं। अजीत, वी शुड नॉट थिंक नेगेटिव, ये डॉक्टर साहब आ गए। अभी कैसी है? बोलने के लायक अभी हमारे पास कुछ है नहीं, फिलहाल टिश्यू रैप्चर और एक्सटर्नल वुंड्स को हम कंट्रोल कर पाए हैं। वी आर ऑल वेटिंग फॉर द स्कैन रिपोर्ट एक्चुअली, बट थैंक गॉड इंटरनल हैमरेज अभी तक नहीं हुआ है। एक बार देख सकता हूँ क्या उन्हें डॉक्टर? नॉट नाउ प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज एक बार। अजीत कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बीना वासी, वो डकैत कैसे दिखते थे कहिए? लंबे नाटे हम, बदन पर तेल थी उनकी, या फिर बड़ा सा मोटा सा मूंछ था उनका, एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में खंजर? नहीं, ऐसा तो पुरानी फिल्मों में होता था। अच्छा, अगर हाथ में खंजर ना हो के एक बड़ी सी तलवार होती तो फिर जाके बात में थोड़ा वजन आता है कि नहीं? देखिए बिना मौसी, डकैत उस घर में घुसे थे, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। इन लोगों ने जबरदस्ती अलमारी खोली, जब कुछ ना मिला तो माया देवी को धमकाने लगे। माया देवी और उनकी बेटी डर के मारे चिल्लाने लगी और भगदड़ मच गई और आप भी चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तनु भी चिल्ला रही थी, लेकिन वो तो हर दिन ऐसे चिल्लाती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद ब्लैंक। आपको और कुछ नहीं पता, और फिर रोती हुई आप बाहर गई और एक बाइक से पुलिस आई और माया देवी आपके लिए बच गई। ऐसे कोई डरता है क्या? अरे बीना मौसी, आप हिम्मत वाली हैं, आपकी हिम्मत की चर्चा हर जगह होगी और आपकी वजह से ही तो सारे लोग बचे हैं। लेकिन आप ऐसे घबराएंगी तो पुलिस सारे लोग हमारे पीछे, अच्छा नहीं लगता ना? बीना मौसी अपनी हिम्मत दिखाइए ना, हमें भी दिखाइए। बीस हजार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैं अपने बातों से मुकरता नहीं, और बाकी के 30,000 बहुत जल्द ही तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन अगर होशियारी दिखाई जान से हाथ धोना पड़ेगा, राम नाम सत्य है। और बीना मासी का ये कर्तव्य है, राम नाम सत्य है, अभी बचाना बीना मासी का कर्तव्य है। Thank you.
पुलिस के हाथ आई इस शहर के 12 साल के नाबालिग लड़की तनुश्री राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अभी चलते हैं हम हमारे कॉरेस्पोंडेंट के पास आगे की रिपोर्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आप हमें बताइए कि अभी पुलिस और प्रशासन का क्या कहना है। खून की तहकीकात अभी तक चल रही है और पुलिस बिल्कुल चुप है। इस राज्य में चोरी और डकैती के हादसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं कर पा रहा। इन हादसों पर कड़ी नजर रख रहे हैं मुख्यमंत्री खुद, पर चूंकि सीसीटीवी फुटेज या गवाह कोई भी नहीं है, इसीलिए अपराधियों को पकड़ पाना मुश्किल लग रहा है। पुलिस अभी तक बीना मंडल से पूछताछ कर रही है। उन्होंने खुद कहा है कि ये डकैती का मामला है। उस दिन मैंने 12:35 पर वीना मासी को फोन किया था। आंटी का फोन नहीं लग रहा था। वीना मासी का फोन किसी के हाथों से गलती से ऑन हो गया था और मैंने वहां कुछ आवाजें सुनी। एक आवाज सुनकर लगा जैसे बिल्कुल तनु की आवाज हो। बीना उनके घर बहुत दिनों से काम कर रही है। बिनी, सो व्हाट, इट रियली डजंट मैटर, स्टिल वी हैव टू टॉक टू हर। पुलिस ये करने नहीं देगी, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं। एक बच्ची ने आंखों के सामने दम तोड़ दिया और उसे कुछ समझ नहीं आया। रुकिए, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। फोन बंद है उसका। तुम्हारे पास बीना मासी का कोई और नंबर है? ये देखो तो। हेलो, बीना मासी है? कहाँ? एड्रेस बता सकते? बीना मासी अपने गांव चली गई है। कैनिंग, ये लीजिए। कितने सारे कंप्लेंट्स, कई लोग फोन करके गालियां दे रहे हैं। मेल्स के रिप्लाई करते करते स्टाफ बिल्कुल परेशान हो गए हैं। ये बात मेरे वार्ड के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करेगी। हमारे फ्लोटर्स का एक रेपुटेशन है, वो एक निठल्ले कोच के लिए। अब देखिए, आप ही को डिसीजन लेना है। उस समय बार बार मैंने कहा था कि उस सले कोच को निकाल बाहर करो। अब तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे वो मेंबर्स की बात, गोली मार मेंबरों को। फ्लोटर्स का मेंबर बनने के लिए, डोनेशन देने के लिए मेरे आगे पीछे चक्कर लगाते हैं लोग। अब जितनी जल्दी हो सके उसे निकाल बाहर कर, उसकी जो फटी है उसमें टांग गड़ा और फाड़ दे पूरा। आप क्या सोच रहे हैं? अबे नोटिस दे, विज्ञापन दे, फ्लोटर्स का स्विमिंग वर्कशॉप, साथ में किसी नेशनल चैंपियन का नाम डाल दे। देख आकाश, अभी के हालात बहुत क्रिटिकल है। पब्लिक जिस तरह से पुलिस पर नाराज है, ऐसे में उस करुणा सिंह के ऊपर 100% भरोसा नहीं कर सकते। और अब उस अमरीकी चाचा के लफड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। अजीत के सभी रास्ते बंद करने होंगे। अब सपोले का सर कुचलने का वक्त आ गया है। जहर से ही जहर करता है। क्या? अरे माँ को क्या हुआ है? अरे इनसे पूछो। Excuse me? हाँ कहिए जी। वो आईसीयू बेड नंबर 4 में माया राय, मैं उनका लड़का हूँ। उन्हें आईसीयू से हटा के जनरल बेड में क्यों रखा गया है? ये तो मैं नहीं बता सकती, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस हैं। आप रिसेप्शन में जाकर बात करिए। तुम टेंशन मत लो, चलो रिसेप्शन पे बात करते हैं। Excuse me? लाइन वहाँ है, भीड़ नहीं दिख रही आपको? अरे मजाक हो रहा है क्या? उधर माँ मेरी क्रिटिकल पेशेंट है, उन्हें आईसीयू से हटा कर जनरल बेड में क्यों रखा गया? किसी परमिशन से? अरे ये हॉस्पिटल है, यहाँ चिल्लाने मत कीजिए। आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, शांत हो जाइए। क्या करूँ मैं? सिक्योरिटी, क्या करूँ मैं? अजीब गुंडा कर दिया यार। हाँ मेरा तो वही मानना है। हाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको कर लो। अन्ना भैया, मैं जानता हूँ कि आपको और चाचा को मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन माँ क्यों? अरे अभी तो अपनी तन्नू को खोया हूँ, अब माँ? अरे आखिर तुझे हुआ क्या? अन्ना भैया, माँ को 2 कीमो नहीं लेने दिया उन लोगों ने, आईसीयू से हटा के जनरल बेड पर शिफ्ट कर दिया उन लोगों ने। डॉक्टर को कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है अन्ना भैया। अरे भाग पगले, क्या मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ? देख, तूने अपनी माँ के लिए जो भी मांगा, हॉस्पिटल से लेकर बेड, दवाइयाँ, मैंने सब बंदोबस्त किया। थैंक यू सो मच, इसके लिए मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा, लेकिन अभी क्यों ये सब छीन ले रहे हो मुझसे? अन्ना भैया, मुझे पता है आपके एक फोन कॉल से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आपको क्या चाहिए बताइए, मैं फ्लोटर्स छोड़ दूं? है ना, मैं छोड़ दूंगा।
अरे चाचा, कुछ और दिन वेट कर जाते आप, माँ और कितने दिन बचेगी? उसके बाद आपको घर के साथ जो करना है करो, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। देखो भैया, अपने इस चाचा भतीजे के मामले में मुझे मत घसीटो। तुम अस्पताल बनाना चाहते थे तो इलाके की प्रगति के लिए मैंने सपोर्ट किया, अब तुम्हारा भतीजा ही मुझ पर आरोप लगा रहा है। जिद, खानदानी खून इसके बाप में भी था, इसमें भी है। जिद नहीं, जिद नहीं है। चाचा, ये घर अगर मेरी माँ के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं की, उनकी आखिरी जीने की उम्मीद नहीं होती ना, तो कब का वो पेपर्स आपके मुंह पे मार फेंकता। वाह, तो फिर तुम एक काम करो, कोई लफड़ा नहीं है, इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करवा कर ले आओ, ठीक है? मैं तो कुछ दिनों में वापस जा रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा भी नहीं, और जाने से पहले तुझे अच्छा सा 2BHK फ्लैट देकर जाऊंगा। और अर्नब, तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा दो, और जितने रुपए पैसे उसको चाहिए वो तुम दे देना, आफ्टरऑल हमारे परिवार का गर्व है ये। भतीजे, फ्लोटस से चैंपियन होना होगा, तो यहां पर साइन करवा दे, इससे तू भी बचेगा और माँ भी। नमस्ते भैया, मैं कलकत्ते से आया हूँ। हाँ। यहाँ पर कोई बीना नाम की, कोई उनके पति की कोई बर्तन की दुकान है, बर्तन वाला? श्यामा भैया, वो कब के निकल गए, दारू गांजा लौंडिया बाजी इन सब चक्करों में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब वो बड़े तालाब के उस तरफ रहते हैं, लिवर खराब हो गई है, मन नहीं वाले हैं। धन्यवाद, चल। तो देखो, इन सब में ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम लोग। अरे बाप रे बाप, हाल क्या है? अरे जो झमेला चल रहा था कलकत्ता में वो तो अच्छा ही चल रहा था, अब यहाँ किस लिए? हम लोग यहाँ मजे में हैं, फ्रेश ऑक्सीजन, अच्छी जगह है, मजे में ही है। लेकिन आप लोग फिर से यहाँ पर आकर अगर शहर वाला कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, बताइए? तो आप यहाँ पर, आपकी दया, आप ही तो चाचा के साथ खो खो खेल रहे थे, और वो साला रेफरी अर्नब दत्तो मेरे पिछवाड़े में बांस देकर ये लो कार्ड दिखला कर मुझे कलकत्ते से सीधा कैनिंग ट्रांसफर करवा दिया, बस चलाया। आप ही तो डर गए थे। लेकिन आप तो नहीं डरे, गुस्सा दिखला कर अपनी बहन को खोया, माँ भी मरने वाली है। चलता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, चले जाइएगा, बीना का एड्रेस नहीं लीजिएगा? आप ऐसे घूर कर मत देखिए, आप घूर कर देखते हैं तो अजीब लगता है मुझे। अरे आप हैं हमारे गेस्ट, आपको जब मर्जी जितनी बार मर्जी आ सकते हैं यहाँ, और उसके अलावा आप कब कैनिंग में आएंगे, क्या करेंगे, सारी खबर तो मेरे मोबाइल में पहले ही मिल जा रही है। क्यों पता है? आपके वेयर अबाउट्स, आप कैनिंग में आकर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे आपके पिछवाड़े में आग लगानी है, ये सब तो मेरी ही जिम्मेदारी है। तो इतनी देर तक नाटक क्यों कर रहे थे? कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे है वो MLA काउंसिलर, और वो हरमजादा जो आकर बैठ गया है मेरी सीट पे, करुणा सिंह। उन लोगों ने सोचा था मुझे तिनके की तरह उड़ाकर आराम से पैर फैलाकर राज करेंगे। अरे करुणा राज किसने मना किया तुम्हें? मेरा जमाया मार्केट है, लाख लाख रुपए थाने में आते हैं, रेत माफिया का सिंडिकेट है। अरे बताइए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो जो NRI गोपेश, उसके मकान को बचाता फिरूंगा? आप बीना का घर पहचानते हैं? खुद को ही इतने दिनों में नहीं पहचान पाया अच्छे से। दरअसल क्या है जीत, तुम्हारी बहन का चेहरा वो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अपना समझ के समझा रहा हूं। सब कुछ जब मैंने सुना, यकीन मानो मेरे भी अंदर जैसे कुछ सूख सा गया था। तुम्हारी बहन की तरह मेरा भी 19 साल का एक बेटा था, आर्यन। आर्यन बहुत वायलेंट लड़का था, अपनी माँ को पकड़कर मारता था, पीटता था उसे, उसके बाल पकड़कर खींचता था। मैंने न जाने कितनी बार भगवान से कहा था
तुमने मेरी गोद में इस तरह का बेटा क्यों दिया? लेकिन देखो वही बेटा मेरा एक दिन चिड़िया मारते हुए छत पर चढ़ा और गिरकर मर गया। चारों तरफ खून। मैं दौड़कर गया वहां, बाबू बाबू कहकर पुकारा उसे, जगाता रहा उसे, लेकिन वो वहीं पड़ा रहा। पापा कहकर पुकारता था मुझे, चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, पापा पापा मेरी मम्मी। सॉरी सॉरी, अपनी आंखों के सामने का काला पर्दा हटा दो, तनु की आत्मा को शांति देनी होगी। तुम लोग जाओ, बिना के पास जाओ, वो सब जानती है। Excuse me? हाँ। आप बीना का घर पहचानते हैं? हाँ, सीधा ले लीजिए, वहां से किसी से पूछिए कि श्यामा भैया का घर कहाँ पे। थैंक यू। ये आदमी, सिर्फ और सिर्फ इस आदमी के लिए मैंने सारे पाप किए, क्यों जिंदा क्यों है ये? ये जिंदा है पर मैं रोज मर जाती हूँ। लिवर का इलाज चल रहा था, फिर भी दो तीन बोतल घटक लेता था, नशा करता है, उसके चक्कर में दुकान बंद कर दी, उसके ऊपर से जुआ भी खेलने लग गया, उसके बाप की जमीन तालाब सब कुछ बेच कर मुझे सड़क पर ले आया। तनु के साथ क्या हुआ था? मैं बिक गई थी। आपके कुछ फिंगरप्रिंट्स लेंगे हम। कभी नहीं। हट! आपने ऐसा क्यों किया मासी? लालच, लालच तो नशा है। नशे में इंसान सब कुछ कर सकता है। मैं माफी नहीं मांग रही, आप मुझे मार दीजिए भैया, पर उससे पहले मैं वो उस करुणा सिंह और अरुण दत्त का मरा मुंह देखना चाहती हूँ। आपकी माँ का फोन, बहुत बार कोशिश की आपको फोन करने के लिए, रिकॉर्डर ऑन हो गया था, इसमें सब है। वो आदमी आपका चाचा नहीं है, वो आदमी बहुत खतरनाक है और उसकी सजा आपके हाथों ही होनी चाहिए। अस्पताल में ही मौत हुई एक बुजुर्ग औरत माया देवी की। कुछ अनजान लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किया जिसकी वजह से उनके सिर पर चोट लगी। उनकी इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रही थी जहां उनकी मौत हुई और इस घटना के दौरान उनकी बेटी की भी मौत हुई थी। कार्यवाही अभी जारी है।
ओम मंगलाय मंगलाय नम विष्णु मंगलाय मंगलाय गरुड़ध्वज। अरे कौन हो तुम लोग? अरे वीना, इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करवा कर ले आओ। भतीजे, लोटस से चैंपियन होना होगा। ए, कौन हो तुम लोग? आदमी आपका चाचा नहीं है, वो आदमी बहुत खतरनाक है। अरे ये तूने क्या कर दिया? गोपू भैया कहाँ गए? अरे कहाँ गए? अरे गोपू भैया कहाँ गए बोलो? अजीत, गोपू भैया कहाँ है? गोपू भैया, अजीत तुम पानी में जाके ढूंढो। अजीत, अरे अजीत, अजीत जाओ, अजीत जाओ। उनकी बॉडी मिली है सर। कब? जस्ट नाउ। पोस्टमार्टम में भेज रहे हो क्या? कैलकुलेशन जम नहीं रही है सर। क्या कह रहे हो? वो लड़का चैंपियन स्विमर है, लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग मिली है उसे, और उसे इनकी बॉडी नहीं मिली। तुम अब ये किस सोच में पड़ गए? देखिए, मैं कुछ नहीं सोच रहा, आप सोचिए। अभी इसी वक्त, नहीं तो 440 का झटका लग सकता है। अजीत, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है इन सब के पीछे उसी का हाथ है। संभाल के दत्ता साहब, ये कुत्ता भौंकेगा नहीं, डायरेक्ट काटेगा। अरे ये क्या कर रहा है? 100 टाइम्स बबल, ब्रीथ, साइड स्ट्रोक कर। अरे क्या कर रहा है? हेड डाउन। सुनाई नहीं देता? कंपटीशन में जाएंगे, कान के नीचे लगाकर घर भेजना चाहिए। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, तैरना सीखेंगे। अरे फास्ट फास्ट फास्ट, मूव फास्ट। क्या बात है? क्लब से तुझे एक मेल किया गया था, है ना? मिल गया। हाँ तो फिर यहाँ क्या कर रहा है तू? आदिपला नहीं दिख रहे हैं? कोच फुल शफल करवा रहे हैं, पहचानता है? बोरिया जाना, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। मैं भी चाहता हूं कि फ्लोटर्स की उन्नति हो। मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता भाई। एक भी मेल का रिप्लाई किया है तूने? फिलहाल 6 महीने सस्पेंड हो रहा है तू। वैसे अगर तू चाहे तो सस्पेंशन कमेटी के साथ बैठ सकता है। क्लब वैसे भी तेरी वजह से खतरे में है, सोच ले क्या करेगा। रेजिग्नेशन दूंगा। सच्ची?
और 6 महीने। अपने कोच से बोलना मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये मेरे रेजिग्नेशन का हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी मेल कर चुका हूं। और हाँ, अपने नए कोच से कहना कि कान के नीचे बजा के नहीं, बच्चों को प्यार से स्विमिंग सिखाने हैं। जरा ठीक से मिलान कर लीजिए, देखिए लिस्ट सही है कि नहीं। अरे अजीत आ गए। देखो बेटा, जो भी करना है दिमाग ठंडा करके करना, समझे? क्योंकि माँ और बहन का श्राद्ध तो तुम्ही को करना पड़ेगा। महाराज जी कह रहे थे चूंकि दोनों का गोत्र एक ही है और तुम्हारा तो खून का रिश्ता है, इसलिए चाचा का श्राद्ध भी। चाचा का श्राद्ध इस घर में नहीं होगा। मैंने एक लिस्ट बनाया है। तुम्हारे मोहल्ले के वो मिश्रा जी आए थे, वो कह रहे थे कि मोहल्ले वालों को भी बुला ले। सारे कार्ड क्लब में भेज दीजिए, वही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और तुम्हारे रिश्तेदार? नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स तनु को बहुत प्यार करते थे। मैं फ्लोटर्स में गया था, कोई नहीं दिखे, उनको खबर देने से अच्छा होता। तुम चिंता मत करो, मैं एक बार मंसूर अंकल से बात करती हूँ, वो एक बार फ्लोटर्स जाकर देखे, जरूर कोई खबर मिल जाएगी। ओ हाँ, मुझे 2 कार्ड लगेंगे, मैं अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ब्लैंक कार्ड। रघुनाथपुर के 4 लोग तैयार हैं, वो सब संभाल लेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा मांग रहे हैं। कितना? 25। अरे पागल है क्या? 3 साल के लिए ही तो जेल जाएगा, फांसी तो नहीं लगने वाली। बस यही तो करना है कि डकैती करते हुए पकड़ा गया, खींचातानी में कांड हो गया और क्या, बस। और सेक्शन 302 मर्डर का चार्ज तो लगेगा ना? ठीक है, तुम 20 में फाइनल करो, मुझे लफड़ा नहीं चाहिए, क्लोज द चैप्टर। ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? पहाड़ में जाओ साले, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। अरे भाई, पहले दस्तखत तो हो, जायदाद अपने नाम पे हो। अजीत तो राजी है, फ्लैट रुपए पैसे सब पे राजी है। माल चाहिए, माल माल लुटाओ, फिर देखो सारे नल्ले पीछे घूमेंगे। अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, बाद में मिलना, चलो जाओ। अरे मिस्त्री, अब बंद करो इसे, कल सुबह आकर करना। अब जाओ जाओ जाओ।
अरे मेन स्विच ऑफ करो, पहले उस तरफ जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे पानी में लोग हैं, जल्दी जाओ। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमः तत् विष्णु, सदा प्रशांति सूर्याय नमः, शत्रुरातम नमः, अपवित्र पवित्रवा, सर्ववस्थान गतव्या, पुंडरीकाक्षम सवाज्यम, नमो विष्णु, नमो सुचि, नमः माधव माधववाची माधवरीवि, स्मरंती साधवा सर्वे सर्वा, कार्येषु माधव, नमो श्री माधव, नमो श्री माधव। एक सनसनी हत्याकांड की खबर कल रात को ही मिली गोपालपुर थाने के ओसी करुणा सिंह की जख्मी मृत शरीर। आप सभी को बताना चाहूंगा कि करुणा सिंह पुलिस प्रशासन के मशहूर व्यक्ति थे। अभी अभी झारखंड से उनकी ट्रांसफर हुई थी। अभी तक ऐसी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिली, लेकिन पुलिस अनुमान लगा रही है कि सेंट्रल कोलकाता में स्थित इस पुराने मकान से ही इस घटना की शुरुआत हुई है। मकान के लड़के अजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन और अजीत से पूछताछ करने से ही घटना की सारी डिटेल्स पता चलेगी। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वा, कार्येषु माधवा, नमो श्री माधवा, नमो श्री माधवा। तुम यहां? मेरी मां बहन का श्राद्ध है, तेरा कार्ड। बीच रस्ते में कार्ड? एक काम कर, ये श्राद्ध हो जाने दे, कुछ दिनों बाद एक और श्राद्ध होगा, तेरे बाप का श्राद्ध। दो दो मर्डर करके साले तो मुझे, अरे तेरी बहन को मैं क्यों मारूं, वो तो धक्कम धक्की में। Ugh!
इस मुकदमे के अंतिम चरण में आकर मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मुजरिम अजीत राय के खिलाफ किसी भी तो एक नए रास्ते की, एक नई उम्मीद की, किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए चाहिए होता। लड़ते लड़ते पैर घिस चुके वारदात पर मिले हुए निशान, समय रुकने का नाम ही नहीं लेती जब हर पहलू में निराशा दिखाई देती है। वकीलों के माध्यम इसी निराशा को तोड़ने की जिद से दिल की हर धड़कन इंसाफ के नारे लगाती रहती है। करने के बाद इन्हीं नारों में गूंजती है एक आवाज, कहती है अब वक्त आ चुका, लक्ष्य है अटूट, मद्देनजर दृढ़ है विश्वास। करने के बाद ये अदालत डर की तोड़कर बेड़ियां एक नए फतेह की है आस। इज्जत परी करती है। नौकरी अब मैं छोड़ दूंगा, जानते हो अजीत, दिन भर लालच की आग में जल जल कर दिल पर कालिख की परत से जम गई है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ करूं कि प्रायश्चित भी हो जाए। अब देखो ना, मेरे ही बेटे को देखो, बेचारा मेरे ही पाप की दुनिया की आग में जलकर राख हो गया। सोचता हूं तेरे ही जीवन को अगर मैं, सॉरी तू कह दिया तुम्हें, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सर। कमान कमान पोला कमान, स्ट्रोक स्ट्रोक स्ट्रोक, कमान कमान कमान, ब्रीदिंग कमान कमान, लवले लवले कमान कमान, फास्ट 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 कमान। अब घर चलो अजीत, तुम्हारी जर्नी इतनी मुश्किल थी कि अब मैं भी थक गई हूँ। एक्चुअली तुम तो स्पोर्ट्समैन हो ना, जहाज वाली थ्योरी याद है, बॉर्न स्विमर। वृंदा तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है और इस जीवन में मुझे स्विमिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आई एम अ बॉर्न स्विमर। चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? चलो कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगी, तैयार रहना। कौन लोग आए हैं? शायद तुम्हें एक दिन इनमें अपनी तनु मिल जाए।